الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد बिसमिल्रम वलायजूज़ी समय तस्नी अरतौल मालूमता और जायज़ नहीं है कि फ़लों को फ़रोख्त करे और फलों में से मुतना रतलों का इसतना कर दे अरतल ये रतल की जमा है मौजूदा किलोग्राम के हिसाब से एक रतल का वजन तीन सौ अट्ठानवे ग्राम चौंतीस मिलीग्राम का होता है जो तकरीबन चार सौ ग्राम के करीब होता है मतन में मुसनफ़रमा ये मसला बयान कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स अपने दरख्तों पर लगे हुए फलों को फ़रोख्त करे मसलन ये कहे कि मैं अपने इन सौ दरख्तों के फलों को फ़रोख्त करता हूँ लेकिन उनमें से सौ किलो फलों को नहीं बेचूँगा तो उसका इस तरह इसतना करना शरा दुरुस्त नहीं होगा और फलों की बजायज़ नहीं होगी क्योंकि इस इस्तना की वजह से बकिया मबी में जहालत पाई गई जहालत का मफहूम यहाँ ये यह है कि यहाँ ये यह नहीं मालूम होगा कि फलों की वो मकदार कौन सी है जिन्हें बाए बेचना चाहता है और फलों की वो मकदार कौन सी है जिन्हें बाए फरोख्त करना नहीं चाहता है नतीजा ये होगा कि मुश्तरी इन सौ दरख्तों में से उन फलों को लेना शुरू कर देगा जो उम्दा होंगे ठीक उसी वक्त बाएँ ये कहेगा कि मैंने इन्हीं उम्दा फलों का इसतना किया था इस तरह आकदेन के दरमियान निज़ा और झगड़ा पैदा हो जाएगा इसी वजह से ये सूरत शराजाइज नहीं है अलबत् अगर बाए अकद से पहले 100 किलो फलों को इन दरख्तों से काट कर उतार करदा कर ले और फिर इन दरख्तों पर लगे हुए फलों को फ़रोख्त कर दे तो शरा अब कोई कबाहत नहीं है किसी किस्म की कोई जहालत नहीं है इस वजह से ये अकद जायज़ होगा व यजूज़ बे उल हन् तफ़ी समबुल वलक़िल्ला फ़ी किश और जायज़ है गेहूं का फरोख्त करना उसकी बालियों में और लोबिये का फ़रोख्त करना उसके फलीयों यानी छिलकों में इस मसले के तहत रहमा ये बयान करना चाहते हैं कि मबी में मामूली जहालत ये फसाद सबब नहीं है जैसे कि गंदम का अपने बालियों में होना और लोबिए का अपने छिल्के में होना तो इन दोनों सूरतों में ना तो गंदम नज़र आ रहा है और ना तो लोबिया नज़र आ रहा है लेकिन उसके बावजूद इनकी बजायज़ है क्योंकि यहाँ इन दोनों का नज़र ना आना ये मामूली जहालत है और जहालत कलीला ये फसाद बे का सबब नहीं हुआ करती इसलिए इस तरह ख़रीदो फरोख्त करना जायज़ है ममम बदारखल फिल मफाती अगला कह एक शख्स ने घर फ़रोख्त किया तो में तालों की कुंजियाँ दाखिल हो जाएंगी इस मतन के तहत मुसनफ़रम ये जिक्र कर रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने अपना घर फ़रोख्त कर दिया तो बेदार में उस घर के दरवाज़ों के तालों की कुंजियां दाखिल हो जाएंगी क्योंकि जो चीज़ मबी के साथ मुतसिल करार का दर्जा रखे या वो मबी के अज़ा के कबील से हो तो वो बगैर तस्मिया और बगैर बोले ही मबी के तहत दाखिल हो जाया करती हैं यहां याद रखना चाहिए तालों से मुराद वो ताला है जो दरवाजों के साथ पेवस्त होता है दरवाजों के साथ इतसाल करार का दर्जा रखता है इसी इताल करार का दर्जा रखने की वजह से ये ताले बदार के तहत दाखिल होंगे और जब ताले बद घर की बे के तहत दाखिल हो गए तो इन तालों की कुंजियां जो बज़ाहिर मबी से मुनफसिल और जुदा नज़र आ रही हैं वो भी बेदार के तहत दाखिल होंगी क्योंकि ये कुंजियां तालों के जज़ के कबील से हैं और मबी के अज्जा भी बगैर बोले मबी के तहत दाखिल हो जाया करते हैं इसलिए तालों की कुंजियां भी बेदार के तहत दाखिल हो जाया करेगी अलबत् वो ताले जो दरवाज़े से पेवस्त नहीं होते हैं बल्कि जुदा होते हैं चूँकि उन तालों को दरवाज़ों के साथ में इतसाल दर्जा हासिल नहीं होता है इसलिए वो ताले बदार के तहत दाखिल नहीं होंगे और जब ताले बद दार के तहत दाखिल नहीं हुए तो उनकी कुंजियां भी बद दार के तहत दाखिल नहीं होंगी व उजरतलकयाली व नाक़द समनी व उजरतल जान समन अलमुशरी तर्जमा और कैल करने वाले की उजरत और समन को परखने वाले की उजरत बाएँ पर लाजिम होगी और समन को वज़न करने वाले की उजरत मुश्तरी के ज़िम्मे लाजिम होगी इस इबारत के तहत मुसनफ़रमा ने मसाइल सलासा का ज़िक्र किया है तीन मसाइल का ज़िक्र किया है पहला मसला उजरतलकयाली कैल करने वाले की उजरत अलबाई बाए की ज़िम्मे होगी यानी अगर किसी ने मकीली चीज़ को कैल करके फरोख्त किया या मौजूनी चीज़ को वज़न के साथ बेचा या मजरूत यानी पैमाइशी अशिया में से किसी शय को गज़ से नाप कर फरोख्त किया या मदूदात यानी अददी अशिया में से किसी शय को शुमार करके फरोख्त किया तो कैल कर करने वाले वजन करने वाले और गज़ों से नापने वाले और शुमार करने वाले की उजरत बाएँ पर लाजिम और वाजिब होगी क्योंकि बाए पर मबी का हवाले करना मबी को सुपुरद करना यह लाजिम और वाजिब होता है और मबी की सुप्रदगी बगैर कैल या वजन के मुमकिन नहीं है दूसरा मसला वनदमनी आलबाई समन को परखने की उजरत बाए पर लाजिम होगी समन को परखने की उजरत किस पर वाजिब होगी इस सिलसिले में दो रिवायतें हैं पहली रिवायत इमाम मोहम्मद रहमत ला से इबन रुस्तम ने नकल किया है कि समन परखने की उजरत बाए पर वाजिब और लाजिम होगी क्योंकि समन का परखना यानी उसका खरा खोटा देखना और मालूम करना उस वक्त होता है जबकि मुश्तरी समन बाए को सुप्रद यानि हवाले कर दे मालूम ये हुआ कि समन परखने की ज़रूरत हवाले करने के बाद ही पेश आएगी और तस्लीम समन के बाद खरा खोटा पहचानने की ज़रूरत बाए को है ताकि बाए खरे को जिससे उसका हक मुतिक है खोटे को मुमताज़ कर सके या इसलिए समन को परखवा ले ताकि उसका आयबदार होना मालूम हो जाए और वो उसे मुश्तरी को वापस कर सके तो समन के परखने की ज़रूरत जब बाए की है तो उसकी उजरत भी बाए पर लाजिम और वाजिब होगी दूसरी रिवायत इमाम मोहम्मद रहमतुल्ला से इबन समा की है कि समन परखने की उजरत मुश्तरी पर वाजिब होगी क्योंकि मुश्तरी पर उम्दा और अच्छे समन का सुपरुत करना वाजिब है और उम्दा होने का इल्म परखने से मालूम होगा इस वजह से समन के परखने की उजरत मुश्तरी पर वाजिब होगी इसी दूसरी रिवायत पर फतवा है अलाम शामी रमतल ने अपनी किताब रद्दुलमुहतार में वूस हो कह करत इफता ज़िक्र किया है जो इस दूसरी रिवायत के मुफ्ताही होने की तरफ मुशीर है तीसरा मसला मुसनफ़रमा ने इस इबारत में ज़िक्र किया है व उजरत वजान समन आलमुशतरी समन को वज़न करने की उजरत मुशतरी पर लाजिम होगी क्योंकि समन सुपुर्द करना और हवाले करना मुश्तरी पर वाजिब है और सुपुर्दगी और हवालगी बग़ैर तौले मुतहक़क नहीं हो सकती इस वजह से उसकी उजरत और उसके अखराज भी मुश्तरी बर्दाश्त करेगा अजीज तलबा इस मतन के तहत एक असरी और जदीद मसला भी समात करते चलें। दस्तावेजात यानी डॉक्यूमेंट्स के अखराज का हुक्म शरा आज कल ज़मीनों की बे में दस्तावेज़ यानि डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं जिसमें रकम की एक मकदार खर्च होती है व जमीन की खरीदो फरोख्त के मामले को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए जो अखराज करने पड़ते हैं वो मुश्तरी यानी खरीदार के जिम्मे वाजिब होंगे अलबत्त अगर कहीं का उर्फ़ व रिवाज उसके बरक्स हो यानी दस्तावेजा वगैरह जरूरी कागजात की जिम्मेदारी और अखराजा बाए के ऊपर होते हों फिर ये ज़िम्मेदारी और अखराजा बाए पर लाजिम होंगी इस असरी और जदीद मसले को मुसनफ़रमा के मतन व उजरतल्कयाली व नाक़दी समन अलबाई व उजरत वज़ान समन अलमुशतरी पर करने के लिए उजरत के उजूब के सिलसिले में एक उसूल का जहन में रखना ज़रूरी है ताकि इंतबाक बेगुबार हो जाए और वो ये है कि काम जिसके लिए किया जाए उजरत उसी पर वाजिब होगी मसलन मबी को कैल या वज़न करवाना तो ये कैल या वज़न बाए के लिए किया गया है इसलिए उजरत भी बाए को ही देनी होगी ठीक इसी तरह दस्तावेज़ात यानी डॉक्यूमेंट्स मुशतरी के लिए बनाए जाते हैं इसलिए उसूलन दस्तावेजात के अखराज भी मुश्तरी पर वाजिब होंगे अलबत्त अगर कहीं का उर्फ आम उसके बरक्स हो कि बाए ही दस्तावेजात वगैरह के अखराजा बर्दाश्त करता हो तो ये भी शरा दुरुस्त है क्योंकि आम का शरीय में एतबार है बिल्फ सबित साबित नस साबित की तरह होता है इसलिए ऐसी सूरत में उसके अखराजात बाएँ पर डाल दिए जाएंगे इसी के साथ आज का सबक हम खत्म करते हैं इन आइंदा मजलिस में मुलाकात होगी अलकुम वरह वबरकू